हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 24 दिसंबर 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज़ डिस्कशन की तरफ। देखो, आज वैसे ज़्यादा न्यूज़ आई नहीं है क्योंकि कल पीआईबी में संडे को पता आपको न्यूज़ नहीं होती है और वैसे भी कुछ खास न्यूज़ नहीं है, तो हम पिछले वीक की एक दो न्यूज़ को कवर करेंगे और इसी के साथ हम जो इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल है वहाँ से भी एक दो न्यूज़ को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ है, जो हमारा आर्टिकल आया है, वह है इंफ्रारेड सेटेलाइट अकारी के बारे में। तो देखो, जो अकारी सेटेलाइट है तो ये पता होना चाहिए कि है किसका। तो बेसिकली अकारी सेटेलाइट है वो जापान का है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कंटेक्स्ट अभी आया है कि जापान के साइंटिस्ट है, उन्होंने अकारी जो सेटेलाइट है ना, इसकी हेल्प से जो एस्टेरॉयड हैं उनके ऊपर वाटर का एविडेंस है, उसके ऊपर वाटर का सबूत है, वो फाइंड किया है। मतलब सेटेलाइट अकारी की हेल्प से जापानी साइंटिस्ट ने जो एस्टेरॉयड होते हैं स्पेस में उनके ऊपर पानी की एक तरीके से सबूत है वो उनको मिले हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पहली बार ऐसा हुआ है कि सेटेलाइट की हेल्प से उन्होंने पानी का डाटा है वो सामने लेके आए हैं। अब देखो, इसका बेनिफिट क्या होगा। इसका बेनिफिट एक तो ये हो सकता है, हम बात करें यहाँ पे कि जो स्पेस है इसके बारे में हमें काफ़ी चीज़ों का पता चलेगा कि भाई पानी के एविडेंस अगर अर्थ के बाहर मिल रहा है इसका मतलब वहाँ भी जीवन था, या फिर ये पता चलेगा कि वो एस्टेरॉयड है वो कौन से मतलब प्लेनेट वगैरह से रिलेटेड वगैरह, तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती हैं। इसके साथ ही हम बात करें, एक ये पता चलेगा कि देखो सोलर सिस्टम में पानी है वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है, ये भी एक सोर्स के तौर पर हमें पता कर सकते हैं क्योंकि जो एस्टेरॉयड है वो कहीं ना कहीं से तो बना है, तो इसके बारे में काफ़ी सारी रिसर्च है, इन्फॉर्मेशन वो मिल सकती हैं। इसके साथ ही देखो, हम बात करें, एक ऐसा माना जाता है कि एस्टेरॉयड हैं उनकी हेल्प से ही अर्थ के ऊपर पानी का मतलब पानी है वो आया था, यानी आप एक तरह से बोल सकते हैं कि एस्टेरॉयड है वो अर्थ पे गिरे थे और उनके द्वारा इंडिया अर्थ के ऊपर पानी है वो पहुंचा था। तो इसके कुछ उम्मीद वगैरह वो की जा रही है। तो हमें एक तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि अकारी सेटेलाइट है वो है कहाँ का और अभी एस्टेरॉयड पर पानी है वो डिस्कवर किया गया सोलर सिस्टम में। अब देखो, आज का एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपके सामने है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दूसरा ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, तीसरा ऑप्शन है यूएन वुमेन यानी, और चौथा ऑप्शन आपके सामने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है वो होगा, क्योंकि देखो अभी हमने एक दो दिन पहले इस आर्टिकल पर डिस्कस है वो किया था ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में भी। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो आया है नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के बारे में। देखो, इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे देश में जो सुपर कंप्यूटर हैं इनको डेवलप करने के लिए, फिर सुपर कंप्यूटर के एरिया में और ज़्यादा इनोवेशन लाने के लिए, प्रमोट करने के लिए नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन है वो लॉन्च किया है। इसमें होगा क्या, इसमें बेसिकली फ्रांस की एक कंपनी है उसकी हेल्प से हमारे देश में सुपर कंप्यूटर का निर्माण है वो किया जाएगा। तो ये हमें आप ध्यान में रखना है कि इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रांस कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत जो फ्रेंच टेक्नोलॉजी फर्म है वो इंडिया में 70 सुपर कंप्यूटर को डेवलप है वो करेगी। तो ये कंटेक्स्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि किसके द्वारा तो इम्प्लीमेंट किया गया है। देखो, बेसिकली हमारे देश की जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इसी के साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन दोनों के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट है वो किया जाएगा। बट ये दोनों खुद तो पता आपको काम करेंगे नहीं, इसके साथ ही देखो दो एजेंसी भी हैं, एक तो IISc बेंगलोर और एक इसके साथ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि सीडेक, जो कि हमारे देश में सुपर कंप्यूटर का निर्माण है बेसिकली करते हैं। तो ये दोनों इंस्टीट्यूट हैं, इनकी हेल्प से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, इनके द्वारा और फ्रांस की हेल्प से देश में सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया जाएगा। अब देखो, इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर हमारे देश में 70 सुपर कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं, इसका मतलब हमारे देश के अलग अलग कोने में उनको रखा जाएगा, जिसका बेनिफिट ये होगा कि एक सुपर कंप्यूटर ग्रिड है, एक जाल बन जाएगा। जैसे ये आप इंडिया का मैप हो गया, तो इसमें क्या होगा, जगह जगह से यहाँ पे सुपर कंप्यूटर हो गए, यहाँ पे, तो एक जाल सा बन जाएगा नेटवर्क, जिससे हमें सारी इन्फॉर्मेशन को आपस में एक तरीके से सिंक है वो कर सकते हैं। जहाँ भी अगर इन्फॉर्मेशन को मैं सिंक करना हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिएगी, तो जैसे वेदर की फोरकास्टिंग वगैरह करनी है, तो काफ़ी हेल्प वो हमें मिलेगी। इसके साथ ही जो सुपर कंप्यूटर हैं उनके लिए एक नेटवर्क भी बनाया जाएगा जिसका नाम है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड पावर, जो क्या करेगा, जो सारे देश के सुपर कंप्यूटर्स हैं इनको कनेक्ट करके रखेगा और फ्यूचर में जहाँ भी इनकी ज़रूरत होगी, चाहे इन्वायरमेंट को लेके हो या फिर कोई भी एटमोस्फेयरिक हमें इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए हो, तो उनमें काफ़ी हेल्प वो मिलेगी। तो ये गवर्नमेंट का मिशन है जो हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी के बारे में। कंटेक्स्ट देखो यह है बेसिकली कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उसने एक ड्राफ्ट है वो तैयार किया है अभी ड्राफ्ट के लिए कि भाई नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी है वो लेके आई जा सकें, क्योंकि देखो अभी हमारे देश में जो चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिसी चल रही है वो है बॉर्डर नेशनल चाइल्ड पॉलिसी 2013 की। तो हमें इसमें कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं, नई एक तरीके से डेफिनेशंस वगैरह लेके आनी है, इसके लिए नई पॉलिसी का ड्राफ्ट है वो जारी किया गया है।
अब देखो इसके थोड़े प्रोविजंस वगैरह हम देखते हैं कि इसमें किस किस तरह के प्रोविजन है। एक तो इसमें ये डिफाइन किया गया है कि हमारे ये जो रूल बनेगी बच्चों के लिए वो देश के किसी भी इंस्टीट्यूट, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे प्राइवेट हो, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कॉर्पोरेट ग्रुप हो, या फिर कोई भी मीडिया हाउस हो, सब पे बेसिकली इसके रूल है वो अप्लाई होंगे। मतलब बच्चों के ऊपर रूल अप्लाई होने हैं तो हमारे देश में कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी संस्था हो, सब पे इसके रूल एप्लीकेबल होंगे। इसके साथ ही इसमें क्या किया गया है कि जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी संस्था है, उसके एम्प्लॉय हैं वो बच्चों के खिलाफ मतलब एक तरीके से अब्यूज लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते, उनको हरास नहीं कर सकते, उनको सेक्सुअली एक तरीके से एक्सप्लॉइट है वो नहीं कर सकते। ये इसमें बेसिकली फोकस है वो किया गया है। इसके साथ में इस चीज़ को इंश्योर किया गया है कि कोई भी इंस्टीट्यूट या संस्था है वो ये बहाना नहीं मार सकती है कि देखो भाई हमारे पास स्टाफ नहीं था इसलिए हम बच्चों को प्रोटेक्ट कर नहीं पाए। जैसे कई बार आता है ना कि स्कूलों में बच्चों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट है, कोई भी ऐसा केस आता है, तो उस कंडीशन में स्कूल जैसी संस्था ना वो ये नहीं कह सकती कि हमारे पास स्टाफ की कमी थी इसकी वजह से ऐसे केस सामने आए हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनके स्टाफ या आप बोल सकते हो कि उस संस्था की जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को प्रोटेक्ट करे। तो ये इसमें बेसिकली फोकस है वो किया गया है। इसके साथ ही इसमें इंडिविजुअल पर्सन्स को है उनको भी एक तरीके से जैसे कि फिजिकल या सेक्सुअल या फिर इमोशनल एब्यूज़ दी जाती है तो उसके लिए एक हेल्पलाइन बनाई गई है जिसका नंबर है 1098। तो इस हेल्पलाइन पे बेसिकली चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है कि अगर कहीं भी चाइल्ड को एक तरीके से हरासमेंट है, प्रताड़ित किया जा रहा हो, तो ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वो बेसिकली इसके ऊपर काम करेगी। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है प्रयागराज कुंभ मेला के बारे में। देखो अभी 2019 में जनवरी से लेकर मार्च के बीच में प्रयागराज कुंभ मेला है वो आयोजित किया जाना है, तो इसके बारे में दो चार फैक्ट है जो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो बेसिकली जो कुंभ का मेला है वो एक आपको पता है कि रिलीजियस पिलग्रिम या तीर्थयात्री हैं उनका काफ़ी बड़ा मेला है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिसमें काफ़ी संख्या में श्रद्धालु हैं वो आते हैं और काफ़ी लंबा प्रोग्राम चलता है। तो जैसा आपको पता है कि कुंभ का जो मेला है जो कि प्रयाग में होता है वो बेसिकली 12 साल में एक बार होता है। वैसे तो हम बात करें तो ओवर जो टोटल जो कुंभ के मेले होते हैं वो होते हैं 4, मतलब हर 3 साल में कुंभ का मेला होता है। कहाँ कहाँ पर होता है, एक होता है 3 साल में हरिद्वार में, फिर अगले 3 साल में वो होता है उज्जैन में, उसके बाद में नासिक में, और उसके बाद में जो 12 साल हो जाते हैं वो होता है प्रयागराज, यानी जहाँ पे गंगा और यमुना रिवर मिलती हैं उस एरिया में। तो देखो यहाँ पे दो चार फैक्ट, एक तो इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखने कि कितनी साल में महाकुंभ आयोजित होता है, तो 12 साल में महाकुंभ आयोजित होता है और वैसे 3-3 साल में कुंभ के मेले आयोजित किए जाते हैं। हरिद्वार में होता है जो कहाँ पे आपको पता है कि उत्तराखंड में गंगा रिवर के ऊपर होता है एकदम, इसके बाद में आता है उज्जैन में। देखो ये सारे रोटेट होते रहते हैं, ऐसा फिर कोई फिक्स नहीं है कि ऐसे ऐसे ही होने वाले हैं। जैसे एक बार हरिद्वार में हो गया, उसके बाद में उज्जैन में, फिर नासिक में, फिर प्रयागराज में, इस तरीके से चारों बार रोटेट होते रहते हैं। उज्जैन में सिप्रा रिवर पे है, तो ये ध्यान रखना है कि उज्जैन में सिप्रा रिवर के ऊपर बेसिकली कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। इसके साथ ही नासिक में जो गोदावरी रिवर है महाराष्ट्र में, उसके ऊपर कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। और जैसा हम जानते हैं कि जो महाप्रयाग है, जिसे हम बेसिकली प्रयागराज के नाम से जानते हैं, जहाँ पे गंगा और जो यमुना रिवर मिलती हैं, उस एरिया पे बेसिकली महाकुंभ का आयोजन है वो किया जाता है, जो कि हर 12 साल में। यानी कि ये ध्यान रखना है कि कुंभ का मेला आयोजित है वो कब होता है, और इसमें विश्व के काफ़ी बड़ी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, तो इसको लेके कंटेक्स्ट आया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है पार्टनर्स फॉर्म के बारे में। तो देखो बेसिकली जो पार्टनर्स फॉर्म है इसकी भी सेकंड जो समिट है, सेकंड फॉर्म है, वो इंडिया में आयोजित किया गया है, तो उसको लेके कंटेक्स्ट वो आया है। तो एक तो ये पता होना चाहिए कि पार्टनर्स फॉर्म वो किससे रिलेटेड है। तो बेसिकली हम बात करें कि पार्टनर्स फॉर्म है वो एक अलायंस है, एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, एनजीओ हैं, ग्लोबल फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है, प्राइवेट सेक्टर के ग्रुप है, वो आपस में मिलकर उन्होंने एक फॉर्म है इसका निर्माण किया है। इसका मेनली फोकस रहता है वो रहता है ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप पे, तो ये हमें ध्यान में रखना है। इसका फोकस रहता है इसके साथ ही चाइल्ड मोर्टेलिटी मॉड्यूलेशन पे, इसके साथ ही इम्प्रूव एडोलसेंट पे, चाइल्ड और न्यू बॉर्न जो बेबी होते हैं उनके ऊपर बेसिकली फोकस रहता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि चिल्ड्रन से रिलेटेड बेसिकली पार्टनर फॉर्म है वो है, क्योंकि इस पर यूपीएससी पूछ सकता है कि पार्टनर फॉर्म किससे रिलेटेड है, तो हमें ध्यान होना चाहिए कि किस चीज़ को फोकस करता है। ये देखो को होस्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। जैसा मैंने आपको बताया कि इसका सेकंड एडिशन है वो भी इंडिया में होस्ट किया गया है, इससे पहले भी एक बार इंडिया में इसके द्वारा इसका आयोजन है वो किया गया है। तो देखो बेसिकली ये थे आज के हमारे आर्टिकल, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, बट जो 2-3 न्यूज़ थी उनको हमने यहाँ पे कवर है वो किया है। अब एक बार हम थोड़ा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आज हमने जापान का एक सेटेलाइट है जिसका नाम है अकारी सेटेलाइट, उसके बारे में जाना, जिसके द्वारा बेसिकली एस्ट्रॉयड के ऊपर पानी की एक तरीके से सबूत हैं वो मिले हैं। इसके साथ ही हमने यहाँ पे नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में जाना, जो कि फ्रांस की कंपनी के साथ इंडिया ने साइन डील साइन की है और उसके तहत सुपर कंप्यूटर इंडिया में बनाए जाएंगे।
इसके साथ ही हमने नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी के बारे में जाना कि गवर्नमेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर है, उसके द्वारा भी कुछ स्टेप यहाँ पे उठाए गए हैं, तो ये हमें ध्यान में रखना है। सॉरी यहाँ पे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का यह इनिशिएटिव है, उसने ड्राफ्ट जारी किया है, तो वो फैक्ट हमने यहाँ पे कवर किए थे। इसके साथ ही हमने महाकुंभ मेला के बारे में जाना जो कि 2019 में आयोजित है, वो किया जाने वाला है, इस बार प्रयाग में होने वाला है, यानी जहाँ पे गंगा और यमुना रिवर का संगम होता है उसको। आप ये बताइए कि रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी रिवर मिलती हैं, कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी रिवर हैं वो मिलते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके साथ ही हमने पार्टनर्स फॉर्म के बारे में जाना जो कि बेसिकली ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप फॉर्म है जो कि 2005 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन काम ये है कि चाइल्ड जो मेटरनल मोर्टेलिटी रेट है, इसी के साथ ही चाइल्ड हेल्थ है, इसको इम्प्रूव करने के लिए काम है वो करता है। तो ये थी देखो आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।